वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स पढ़ने के लिए पहले कांस्टेंट फोर्स को फिर से लिख लेते हैं। देखिए ये रहा कांस्टेंट फोर्स है एफ, ठीक है, एफ यहां पे बढ़ रहा था और एक्स यहां पे बढ़ रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स हमेशा उतनी ही वैल्यू लेके चल रहा है, ठीक है। ये एफ पे है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सेपरेशन उतना ही है। तो ऐसे केस में हमारा छोटा सा डेल्टा डब्ल्यू क्या होगा, कोई बीच में ये ले लिया है, मैंने काफी चौड़ा बनाया है लेकिन ये छोटा ही, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू यानी इसका एरिया। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाइट मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। लेंथ कैसे निकालेंगे, एक्स टू एक्स वन, है ना। तो आप डी डब्ल्यू लिख सकते हैं क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब एक्स टू माइनस एक्स वन भी छोटा ही होगा, है ना, ये कितना होगा, डेल्टा डेल्टा एक्स होगा, तो डेल्टा एक्स को लिख दिया जाए यहां पे। तो एक तरीके से डेल्टा डब्ल्यू हो गया आपका एफ डेल्टा एक्स, ठीक। यहां पे हमने फोर्स कांस्टेंट माना था, अब मान लीजिए कि फोर्स वेरिएबल है, लगातार बढ़ रहा है, तब भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, लेकिन अब हम लोग ये डेल्टा अपना चौड़ा नहीं रखेंगे, पतला रखेंगे। खूब सारे ऐसे पतली पतली स्ट्रिप ले लेंगे, यही तो इंटीग्रेशन का बेसिस है, है ना। तब यहां पे डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स, ये तो चलेगा ही। तो टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू वन प्लस डेल्टा डब्ल्यू टू प्लस डेल्टा डब्ल्यू थ्री, है ना, डॉट 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 डॉट, जितनी भी स्ट्रिप इसमें काट पाए हम लोग, और स्ट्रिप्स जो है वो हम लोग खूब सारी यानी इनफाइनाइट पे जाने की तरह सोचेंगे। तो अब क्या हो जाएगा फोर्स, अब देखिए इस केस में कांस्टेंट नहीं है, यहां पे फोर्स लगातार लीनियरली बढ़ रही है, एक्स के साथ एक्स बढ़ता जा रहा है, फोर्स बढ़ती जा रही है। तो अब यहां पे एफ वन एक्स वन प्लस एफ टू एक्स टू डॉट 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 एफ एन एक्स एन होगा। तो यहां से वर्क डन को हम लोग क्या बोलेंगे, सिग्मा एफ वन एक्स वन एफ आई एक्स आई बल्कि और एन आई से लेके आई वन से लेके एन तक, सब सही चल रहा है ना, ये सब अब तो कर चुके हैं हम लोग कई बार, है ना, जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे थे तो सिग्मा वगैरह देख चुके हैं। और ज्यादा डरना नहीं है, बाद में फिक्स फॉर्मूले होंगे, आपको इंटीग्रेशन ही करना आना चाहिए, बाकी सारा काम कैलकुलस कर लेगी, लेकिन फिर भी समझना होता है कि हाँ इससे हम लोग इधर आए तो कर क्या रहे। देखिए अगर मान लीजिए ये वाली स्ट्रिप का एरिया लिया तो यहां लिख दिया, ये वाली स्ट्रिप का एरिया लिखा तो यहां कहीं लिख दिया, अब फिर बीच में कई सारी स्ट्रिप्स होंगी उनको यहां लिखेंगे, फिर आखिरी स्ट्रिप होगी एफ एन एक्स एन को उसको यहां लिख दिया। तो इस तरह से वेरिएबल फोर्स में भी हम लोग ऐसा लगा सकते, ये चीज आप कब लगा सकते हैं, मान लीजिए आपको ऐसा ग्राफ दिया गया कि भाई फोर्स जो है लगातार टाइम के साथ चेंज हो रही है, ऐसा 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 कुछ दिया, ठीक है, और टाइम दिया गया है आपको 1, 2, 3, 4 सेकंड, मतलब 4 सेकंड बाद टोटल वर्क डन निकालना है, और ये वैल्यूज कुछ खास नहीं है, ये इधर वाली मान लो ये दोनों सेम है, ठीक है, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया और ये 30 हो गया। तो आपको ये बिल्कुल नहीं घबराना है कि वर्क डन जो है यहां पर मतलब कैसे निकालें, फोर्स तो यहां पे लगातार चेंज हो रही है, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैसे करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पहली वाली स्ट्रिप का एरिया 20 इंटू 1,
दूसरी वाली स्ट्रिप का एरिया 30 इंट प्लस करेंगे, 30 इंटू 1, फिर 10 इंटू 1, फिर 20 इंटू 1। 1 क्यों ले रहे हैं हर बार? क्योंकि स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो 1 के बराबर है, जो हम लोग ने डेल्टा एक्स लिया था। अब तो कितना हो जाएगा, 20, 30, 50, 60 और 80, बस कोई दिक्कत थोड़ी ना है, 50, 60 और 80, तो वर्क डन हो गया, 80 जूल कर लिया हम लोगों ने, मतलब बेसिक सा सवाल। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा केस आ जाए, कुछ कर्व में ही है, कुछ हमें पता ही नहीं है, और इसका भी हमें एरिया निकालना है, तब भी यही बातें चलेंगी। बस आप क्या लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है? और कहां से कहां लेके, 1 से लेके एन तक था, जो भी एरिया आपको लिया जा रहा है यहां से, ये एक्स वन है, ये एक्स टू, एक्स वन से लेके एक्स टू तक का। अब आपको यहां पे स्ट्रिप पतली करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इंटीग्रेशन में ऑलरेडी आप पतली स्ट्रिप्स को यूज कर रहे हैं, तो ये आपका, अब ध्यान रखिएगा यहां पे एफ निकल के बाहर नहीं आएगा, इसको और अच्छे से लिखना है अगर, तो एक्स वन से लेके एक्स टू तक आप जा रहे हैं, एफ भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, जैसे फोर्स अगर टाइम का फंक्शन दिया गया है तो आप ये नहीं लगा सकते हैं, है ना? तब टाइम के फंक्शन से वर्क डन आप नहीं निकाल सकते, ठीक है? तो इस तरह से ये अपना फाइनल एक्सप्रेशन हो गया कि भाई वेरिएबल फोर्स भी अगर दी होगी तो उसका एरिया निकाल कर, यानी कि उसको इंटीग्रेट करके हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। अब डेल्टा एक्स को थोड़ा और शामिल करते हैं, हम लोग ने यहाँ पे एक्स वन एक्स टू लिख लिया है आप, लेकिन और छोटा मानने के लिए इसको डेल्टा एक्स वन, इसको डेल्टा एक्स फोर, जो भी है बीच में, मान लो 4 स्ट्रिप आ रहे हैं, तो इन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एन को हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना? ताकि हम लोग ये दिखा रहे हैं, ये जता रहे हैं कि हम बहुत पतली स्ट्रिप्स में इसे कर रहे हैं। जितनी स्ट्रिप पतली होती जाएंगी, आप इवन यहां पे भी तो कर सकते हैं, जितनी स्ट्रिप पतली होती जाएंगी उतना एक्यूरेट एरिया देंगी। देखिए बिल्कुल पतली स्ट्रिप ले ली हम लोगों ने, मतलब मार्कर की थिकनेस स्ट्रिप की थिकनेस से ज्यादा हुई जा रही है ना? तब क्या होगा, पतली स्ट्रिप्स होंगी तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ती चली जाएंगी, है ना? अब यहां पे x की जगह हम लोग डेल्टा x i ले लें। अब इसी चीज में एक और चीज कर दी जाती है, सब थोड़ा कैलकुलस में जाने के लिए कर रहे हैं, अगर आपको नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा x टेंडिंग टू 0, सिग्मा एफ आई, यही जो लिखा हुआ है, डेल्टा x i, i इज इक्वल टू 1 से, जब x पतला होता जाएगा, डेल्टा एक्स पतला होता जाएगा, तो आई 1 से लेके इंफिनिटी तक जाने लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? जब स्ट्रिपें पतली होंगी तो ज्यादा स्ट्रिप भरनी पड़ेंगी उतने ही एरिया को कैलकुलेट करने में, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स विल टेंड टू इंफिनिटी। तो लेकिन हमें यहां से यहां तक आने में इस इंटरमीडियरी स्टेप में डील कभी नहीं करना पड़ेगा कि जहां हमें इनफाइनाइट बार जोड़ना पड़े, ये तो बहुत सरदर्द होगा, तो इसलिए हम लोग सीधा कैलकुलस का सहारा ले लेंगे। इस चीज को इस तरह से लिखा जा सकता है और इंटीग्रेशन के रूल्स लगा देंगे। चलो एक मामूली सा सवाल ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि आपका जो ये वाला जो कर्व है, ये है ऐसा, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, और आपको 2 से लेके 3 के बीच में करना है, मतलब कि एक्स जो आपका है वो लिमिट देगा 2 से लेके 3, वही तो हो रहा है यहां पे, है ना? इसको कैसे यूज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यू, एफ एक्स की जगह एक्स क्यूब रख दिया, डीएक्स था ही,
और टू से लेके थ्री तक इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब क्या होता है, एक्स टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और लिमिट क्या हो जाएगी टू से लेके थ्री, है ना। और ये अब क्या हो जाएगा, 3 to the power 4 माइनस 2 to the power 4 डिवाइडेड बाई 4। तो कर लेते हैं, चलिए 81 माइनस 2 2 4 2 8 2 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, इतने जूल अपना आंसर आ गया। अब आप इसको डेसिमल वगैरह में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया अब इस ज्ञान को यूज करने का। मतलब अब सवाल आएंगे तो आपको इतना सब सरदर्द करने की जरूरत नहीं होगी, आपको केवल फंक्शन पहचानना होगा, उसे इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेट करके आंसर आएगा। सिंपल फंक्शन से ही ज्यादातर दिए जाते हैं। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो ऐसा भी काम आ जाएगा, जब स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन आप इसमें डाल लेंगे तब भी आंसर आपका आ जाएगा, और जब कॉन्स्टेंट वाला इक्वेशन आप इसमें डाल लेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो F कांस्टेंट है, मान लो F इज इक्वल टू 5 न्यूटन है, तो 5 न्यूटन बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ dx कर देंगे, 1 dx हो जाएगा। तो ये जितनी लंबाई है उतना आपको कर लेना होगा, लिमिट 2 से लेके 3 जब लिमिट है तो ये क्या 1 हो जाएगा, इसका डिफरेंस उस हिसाब से आप कर लेंगे। ठीक है, यानी कि अब हमने एस्टेब्लिश किया कि हम जो वेरिएबल फोर्स वाला फॉर्मूला है उसे लीनियर फोर्स, यानी लीनियर भी वेरिएबल है, और कांस्टेंट फोर्स के केस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ एग्जांपल की, भाई वेरिएबल फोर्स कहाँ होती है। व्हेन अ रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द अर्थ, फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द रॉकेट मूविंग डिक्रीजेस विद हाइट। क्यों भाई, ऊपर जा रहे हैं तो लगातार ग्रेविटी की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू ऑफ जी कम हो रही है, रॉकेट बहुत दूर चला जाता है ना अर्थ के एटमोसफियर से, तो वैल्यू ऑफ जी कम होती जा रही है, तो अट्रैक्शन कम होता जा रहा है, तो रॉकेट को दूर ले जाने में जो परेशानी है वो कम होती जा रही है, तो हमें फ्यूल कम खर्चा करना पड़ेगा, फोर्स रिक्वायर्ड कम चाहिए होगी। और फिर इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स एफ ऑफ स्प्रिंग इंक्रीजेस विद डिस्प्लेसमेंट एक्स। तो ये तो हम लोग बहुत डिटेल में करेंगे कि भाई ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग में ये मास बंधा हुआ है, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट करेगा तो एफ इज इक्वल टू के एक्स फोर्स हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो अभी तो ये एग्जांपल ही दे दिया, लेकिन ये एफ इज इक्वल टू के एक्स तो समझ लो हम लोग को यूज करते ही रहना है। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल फोर्स को देखेंगे कि वो इन दोनों में से क्या है। चलो अब तीन तरीके हैं, तीन तरीकों से एक बॉडी को हम इस धर से सबसे ऊपर ले जा रहे हैं। कैसे, या तो बिल्कुल चिकने पे ले जाएं, या सीढ़ी पे ले जाएं, या किसी इररेगुलर शेप पे ले जाएं। अब ऐसे केस में मान लीजिए ये ऊपर जा रहा होगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो एम जी ऐसे लगेगी, उसका एक कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट आएगा, ये सब हम लोग कर चुके हैं। एम जी साइन थीटा इधर, थीटा इधर, ये वाला एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस थीटा बनाने की जरूरत नहीं। अब देखिए एम जी साइन थीटा ही फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होगी इसको ऊपर से नीचे ले जाने में, हम अगर इसे ऊपर ले जा रहे हैं तो एम जी साइन थीटा के अगेंस्ट हम काम करेंगे। तो हर केस में वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डॉट एस होता है, डॉट प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में ले लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है, बी सी है, और फोर्स क्या है, एम जी साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट है तो बी सी और एम जी साइन थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री है, तो एफ एस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 1 हो गया, इसलिए डायरेक्टली हम लोग एफ डॉट एस को एफ एस ही लिख सकते हैं, है ना। वेक्टर एफ डॉट एस को हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ एफ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ही
लिख सकते हैं। तो वर्क डन हमारा ऐसा हो गया। अब बीसी ध्यान दो, साइन थीटा अगर करो तो परपेंडिकुलर एच अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, हाइपोटेन्यूज बीसी है, तो बीसी क्या हो गया, एच अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो वर्क डन हो गया एम जी साइन थीटा इंटू एच अपॉन साइन थीटा, उड़ गए साइन थीटा साइन थीटा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच, है ना, यहां से आप लिख सकते हैं, चलो मैं नीचे ही लिख देता हूं, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच। ज्यादातर मैं यहां पे लिखता नहीं हूं, मैं देख लूं दिख भी रहा है या नहीं। हाँ, वर्क डन इज इक्वल टू एम जी एच दिख रहा है हम लोगों को। ओके, अब और दूसरा रास्ता अगर है तब ये वाला, यहां पे मान लो कि सारी सीढ़ियां बराबर हैं, हर जगह यार ऐसा होता ही है, सीढ़ियां बराबर होती हैं, तो इसको H1 मान लिया, इस सीढ़ी की हाइट को H1 मान लिया, तो कैसे हो गया, कितनी सीढ़ियां हैं, N सीढ़ियां होंगी, और N बार H1 को ऐड करेंगे तो फिर से H आ जाएगा, तो N H1 is equal to H, इस चीज को यूज कर लेंगे, वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एच वन प्लस एम जी एच वन प्लस एम जी एच वन, कितने बार, एन बार, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी एन एच वन, एन एच वन की जगह हम लोग एच लिख सकते हैं, तो यहां से भी वर्क डन एम जी एच आ गया। इससे भी एम जी एच आ गया, इससे भी एम जी एच आ गया, यहां पे कुछ ऐसा कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू सिग्मा एम जी डेल्टा एच, क्योंकि यहां पे यार हमें पता नहीं है कि डेल्टा एच यहां पे थोड़ा कम, यहां पे ज्यादा होगा, जहां स्लोप ज्यादा होगी डेल्टा एच ज्यादा होगा, जहां स्लोप कम होगी वहां डेल्टा एच कम होगा, लेकिन हर हाल में सारे डेल्टा एच मिलके एच के बराबर हो जाएंगे, क्योंकि इस सिग्मा में एम जी तो कॉन्स्टेंट है, मास ऑफ द बॉडी कॉन्स्टेंट है, यहां पे बॉडी फिर से बना देता है, इसको ऊपर चढ़ा रहे थे, इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं और इसको ऊपर चढ़ा रहे हैं, तो एम जी सिग्मा डेल्टा एच, तो सिग्मा डेल्टा एच फिर से एच के बराबर हो जाएगा। तो आपने ये समझ लिया यार, कोई भी रास्ता हो, वर्क डन तो हमारा हमेशा एम जी एच होगा, और होना भी चाहिए, आगे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो वहां पर वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, जब ग्राउंड जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और सबसे टॉप पे है तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच है, तो एम जी एच माइनस जीरो, सॉरी एम जी एच माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन, ये हम लोग लगा रहे हैं, इसीलिए वर्क डन अपना एम जी एच हर बार आता जा रहा है। अब इन्हीं सब बातों को थोड़ा अच्छे से लिख लिया जाए, तो तीन अलग अलग एग्जाम्पल से हम लोगों ने वर्क डन यहाँ पे हमेशा एम जी एच ही पाया, तो हम कह सकते हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही वर्क डन डिपेंड कर रहा है और पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, पाथ कैसा भी हो, है ना। और इसी तरह एक और बात हम कहेंगे कि मान लीजिए यहां से ऊपर जाते फिर लौट के नीचे जाते, या मान लो देखो ऐसे ऐसे ऊपर जाते हैं और फिर किसी और पाथ से नीचे आ जाते हैं, तब जब हम ऊपर जा रहे हैं तब तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, लेकिन जब नीचे जा रहे हैं तब तो अपने आप नीचे जा रहे हैं, कोई काम ना करें सिर्फ ऐसे खड़े रहें तब भी अपने आप नीचे चले जाएंगे, अगर हमें यहां से ड्रॉप कर दिया जाए तो अपने आप ही हम नीचे चले जाएंगे, उस केस में वर्क डन नेगेटिव होता है, यानी कि हम लोग ऐसे जा रहे हैं या ऐसे जा रहे हैं या ऐसे ऐसे जा रहे हैं, वर्क डन है प्लस एम जी एच, लेकिन हम नीचे आ रहे हैं या ऐसे नीचे आ रहे हैं, कैसे भी नीचे आ रहे हैं, तो वर्क डन हो जाएगा माइनस एम जी एच। ठीक है, तो ये केस है माइनस एम जी एच और ये केस है एम जी एच, तो यहां तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हम काम कर रहे थे, कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स हो वहां पे ये बात ट्रू होगी, यानी कि अगर हम लोग वर्क डन निकालें फ्रॉम ए टू बी,
यूजिंग पाथ वन, है ना, ए से बी जा रहे हैं यूजिंग पाथ वन, वो इक्वल होगा माइनस ऑफ बी टू ए यूजिंग पाथ टू। इसको पाथ टू मान लिया हम लोगों ने, टू लिखा हुआ है पहले से। तो वन में गए प्लस एम जी एच और टू में गए माइनस एम जी एच। ये ना सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक कॉन्जर्वेटिव फोर्स में ट्रू होगा। तो यानी कि राउंड ट्रिप अगर हम लोग कर लें, ए से बी जाएं और बी से वापस ए आ जाएं, किसी और रास्ते जाएं अलग रास्ते से, लौटें अलग रास्ते से, तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा। यही बात हम लोग कह रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन मूविंग अ बॉडी थ्रू अ कंप्लीट राउंड ट्रिप इज जीरो। समझ गया, लिख ले। अगर कोई फोर्स सेंट्रल है तो वो हमेशा कंजर्वेटिव ही होगी। अब सेंटर फोर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अगर कोई फिक्स्ड पॉइंट है, हमेशा फोर्स उसकी तरफ आ रही है या उस फिक्स्ड पॉइंट से निकल रही है, ये बात। फिर दूसरी बात, उस फिक्स्ड पॉइंट से कुछ दूरी पर कोई पार्टिकल रखा जाए जिसको ये फोर्स हमें एक्सपीरियंस करवानी है, तो दूरी अगर बढ़ती चली जाए तो फोर्स कम होता जाए। तो ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू हैं तो फोर्स कॉन्जर्वेटिव है। अभी थोड़ा कम समझ में आया है, डायग्राम में बनाते हैं। देखिए, एक कोई फिक्स्ड पॉइंट, इससे फिक्स्ड पॉइंट थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, है ना, लेकिन पॉइंट ही है। इससे आर दूरी पे कोई पार्टिकल है, आर वन आर टू, ठीक है। तो ज्यादा दूरी हो गई तो फोर्स कम हो गई, फोर्स रिड्यूस हो गई, लेकिन दूरी पे फोर्स डिपेंड कर रही है, ठीक है। यहां पे एफ वन आ गया और यहां पे एफ टू आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो पॉइंट है ये फोर्स जेनरेट कर रहा है। तो कैसी फोर्स जेनरेट कर रहा है? सब कुछ इसी पॉइंट से हो रहा है। अब हम इधर भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं, तो ये ही वो सेंटर है जिसकी वजह से सेंट्रल फोर्स हो गया। ज्यादा कठिन नहीं है, इस पॉइंट को आप अर्थ समझ लो या अर्थ का सेंटर समझ लो। तो अर्थ के सेंटर से जितना दूर जाते जाएंगे फोर्स कम होती जाएगी, भाई ये तो पता ही है। ज्यादा दूर चले जाएंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो जाएगी। दूसरी बात, फोर्स जो है यहां पे डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द पॉइंट कि टुवर्ड्स द पॉइंट, ग्रेविटी के केस में डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पॉइंट है। लेकिन जब रिपल्शन हो रहा हो, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो रही हो, अगर हम लोग पॉजिटिव चार्ज ले लें बीच में और इससे थोड़ी दूर पर एक और पॉजिटिव चार्ज ले लें, तो ये कैसा फोर्स फील करेगा? रिपल्शन वाला फोर्स। ग्रेविटेशनल के केस में कैसा फोर्स फील करेगा? अट्रैक्शन वाला फोर्स। लेकिन देख रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स दैट सेंटर है या फिर अवे फ्रॉम दैट सेंटर है। बस, तो सेंट्रल फोर्स को हमने पहचान लिया। कैसा होता है? किसी सेंटर से निकल रहा हो या सेंटर पे घुस रहा हो और उस सेंटर से पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग दैट फोर्स, अगर ज्यादा दूरी पे है तो फोर्स का मैग्निट्यूड कम होने लगेगा। बड़ी जानी पहचानी चीज लग रही है। ऐसे तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स नाम का एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, वहां पे होगा F इज इक्वल टू जी एम एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? यही डिस्टेंस। और यहां पे क्या पढ़ेंगे? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्साइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बिल्कुल डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं। अभी सब समझाता हूं, ठीक है। चल अब पिक्चर थोड़ी बड़ी कर ले। यहां तो चल जाएगा।
देखिए, मान लीजिए ये कोई बड़ा प्लेनेट है अर्थ जैसा, और ये कोई छोटी बॉडी है मून जैसी, तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक लाइन खींचेंगे, उस डिस्टेंस को आर बोलेंगे। बड़े वाले का मास एम, छोटे वाले का मास छोटा है। यहाँ पे जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल जी है ये, स्मॉल जी नहीं है। इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होती है, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर में आएगा तब पढ़ेंगे। तो दोनों मासेस पे डिपेंड कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स पे डिपेंड कर रही है। ग्रेविटेशनल दिखाने के लिए एफ छोटा जी लिखे दे रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक दिखाने के लिए एफ छोटा ई लिए ले रहे हैं। यहाँ पे भी सेम चीज, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी जैसा कांस्टेंट है, कुछ अलग वैल्यू होती है, ठीक है। और Q1 Q2 जो है ये दो चार्जेस हैं, और इन चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ पे भी सेंटर से डिस्टेंस ले लो तो वो डिस्टेंस है आर। तो आप देख रहे हैं कि दोनों ही फोर्सेस का बड़ा ही सिमिलर फॉर्मूला है, और ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी हैं? सेंट्रल फोर्स हैं। सेंट्रल फोर्स हैं तो कैसी हैं? कॉन्जर्वेटिव फोर्स हैं। एक और सेंट्रल फोर्स मैं आपको बता सकता हूं, मैग्नेटिक फोर्स। अब कुछ फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव भी होती हैं, जैसे आपसे कोई पूछ ले कि न्यूक्लियर फोर्स कैसी होती है, तो कहिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। एक और बहुत ही ज्यादा आपसे फेमिलियर है, फ्रिक्शन फोर्स, वो भी नॉन कंजर्वेटिव है। तो नॉन कंजर्वेटिव के दो एग्जाम्पल, न्यूक्लियर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। कंजर्वेटिव के तीन एग्जाम्पल, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भाई, अब अगर पाथ पे वर्क डन डिपेंड करने लगा तो फोर्स नॉन कंजर्वेटिव हो गई, जैसे कि फ्रिक्शन फोर्स। अब यार अगर हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, ठीक है, तो एक बात तो है हम सीधे चले जाएं, और दूसरी बार हम ऐसे चले जाएं, तीसरी बार ऐसे चले जाएं। तो आप देखेंगे कि जितना ज्यादा लंबा पाथ होगा, फ्रिक्शन उतना ज्यादा काम करेगा, तो वर्क डन जो है वो बढ़ता जाएगा लॉन्गर पाथ में। वही बात यहां पे लिखी है। और अगर यहां से ऐसे गए लौट के वापस आए, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए एक कार है, वो पॉइंट ए पे ब्रेक लगाना शुरू की और पॉइंट बी पे आके रुक गई, फिर किसी दूसरे रास्ते से, अब यहां रुक गई है, फिर दूसरे रास्ते से यहां लाना है इसे, तो हमें फिर कार स्टार्ट करनी पड़ेगी, तो यहां तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। रुकी कार दोबारा ये पे कैसे आ सकती है? अब तो चलाना ही पड़ेगा। तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वजह से राउंड ट्रिप में वर्क डन पॉजिटिव ही बना रहता है। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसी हो गई? नॉन कंजर्वेटिव। ऐसे ही एक इंडक्शन फोर्स है, इसे भी थोड़ा समझ लो। एक होता है पार्टिकल एक्सेलरेटर का कॉन्सेप्ट, अगले साल 12th में आप पढ़ेंगे भी इसको, ये लोग बीटा ट्रॉन बोल रहे हैं उसको, हेड्रॉन एक्सेलरेटर बोलते हैं, वो स्विट्जरलैंड में है। कैसे काम करता है? ये कुछ फील्ड लगा देता है इसके चारों तरफ, ठीक है, तो लगातार इसमें एक एक ओपनिंग भी रहती है ऐसे करके, मैं तो मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड बना रहा हूं, और इस ओपनिंग से उसे बाहर निकलना होता है। तो लगातार पार्टिकल एक्सेलरेट कराया जाता है, मोर्टिन के कॉइल की तरह, ये जब बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है तो इसी ओपनिंग से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पे पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, और हर चक्कर लगाने के बाद काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, यानी एक राउंड ट्रिप में यहां पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जा रही है, यानी वर्क डन फिर से जीरो नहीं है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। तो इसलिए इंडक्शन फोर्स भी कैसी है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मैंने आपको ये भी बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स भी नॉन कंजर्वेटिव है। एनर्जी 10th में तो पढ़ ही चुके हैं बढ़िया से, और बहुत सारी क्लासेस में पीछे एनर्जी एनर्जी पढ़ते रहे हैं।
कैपेसिटी टू डू वर्क, डायमेंशन क्या होता है, भूल गए अगर तो भी याद आ जाएगा अगर फॉर्मूला, एफ इंटू एस याद है, एफ इंटू एक्स अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना, एफ डेल्टा एक्स, चलो यार वही पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो एफ एक्स लिख लो, वर्क डन की जो यूनिट होती है वही एनर्जी की यूनिट होती है, ये तो बताइए यार, वर्क डन और एनर्जी तो एक ही चीज होती है ना, मतलब यूनिट के हिसाब से, तो इसकी यूनिट होती है जूल, ऐसे जूल नहीं लिखते हैं कभी भी, कभी भी ऐसे जूल नहीं लिखते हैं, कैसे जूल लिखते हैं, ऐसे, जब भी साइंटिस्ट का नाम है तो उसका सिंबल कैपिटल में लिखेंगे, अगर यूनिट को जताना चाहते हैं और पूरा लिखना चाहते हैं तो कैपिटल जे यहाँ पे नहीं लिखेंगे, उसी तरह पावर की अगर यूनिट लिखनी है वो वॉट, तो उसमें छोटा डब्ल्यू, और एनर्जी की यूनिट लिखनी है जूल तो उसमें छोटा जे, अगर ब्रैकेट लगाना चाहते हो ऐसा वाला कैपिटल में लिखना है, तो ये सब पता है यार, कोई नई बात नहीं है, हम लोग कर रहे थे डायमेंशन, तो एनर्जी या वर्क डन की दोनों की यूनिट जूल है तो डायमेंशन भी सेम होंगे, फोर्स का क्या होता है एम एल टी माइनस टू, और एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है तो एल लिख लो, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये हो गए डायमेंशन, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, जब भी डायमेंशन तो बक्सा, सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, अर्ग यानी वर्क, अब एसआई यूनिट इसकी जूल, एसआई यूनिट पावर की हो गई वॉट, तो आप कमेंट्स में बताइए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ये ज्यादा लोग पूछते नहीं है लेकिन अगर पूछ ले जाए तो फंसना नहीं है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, तो एनर्जी है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम कितना भी लगे एनर्जी नहीं मानी जाती है कि चेंज हो रही है, एनर्जी उतनी ही होती है, और ये डिपेंड्स ऑन टाइम, ठीक है, पावर डिपेंड्स ऑन टाइम लेकिन एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, ठीक है, कैसे भाई, एनर्जी के दो तरीके के एनर्जी के फॉर्मूले हम लोग जानते हैं ना, बताओ क्या क्या, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, कहां टाइम है, कहीं पे भी टाइम नहीं है, तो एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, लेकिन भैया पावर, पावर का तो नाम ही है एनर्जी अपॉन टाइम, पावर का तो नाम ही है वर्क अपॉन टाइम, है ना, तो यानी कि पावर टाइम पे डिपेंड करता है, एनर्जी या वर्क डन टाइम पे नहीं डिपेंड करता, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक मजदूर है, लेबरर है, वो ईंट छत तक पहुंचा रहा है, ठीक है, छत भी बना लेते हैं, छत काफी ऊंचाई पे है, मजदूर यहाँ पे है, ये अपने सर पे ईंट रख के जाता है, लाल रंग की ईंट है, खूब सारी ईंटों का ढेर बना लेता है, सीढ़ियां चढ़ता है, धीरे 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 बेचारा मेहनत करते हुए ऊपर ईंट ले जाता है, तो क्या हो रहा है, अगर मान लीजिए ये 1000 ब्रिक्स ले जाता है छत पर, तो इसका वर्क डन क्या हुआ, 1000 ब्रिक्स, मान लो ब्रिक्स की यूनिट में कर लिया, अब यही काम अगर ये आदमी 2 घंटे में करे, चाहे 4 घंटे में करे, चाहे 6 घंटे में करे, वर्क डन हमेशा 1000 ब्रिक्स रहे, लेकिन पावर क्या होगी, 1000 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 500 ब्रिक्स पर आवर, इस केस 6000 kg rocket is set for firing. तो हमने क्या समझा कि भाई वर्क डन यहां पे हमेशा 1000 ब्रिक्स ही है तीनों केसेस में, यहां पे भी 1000 ब्रिक्स, यहां पे भी 1000 ब्रिक्स, लेकिन पावर चेंज होती जा रही है, यहां 500 ब्रिक्स पर आवर, यहां पे
250 ब्रिक्स पर आवर। और यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ, 1000 बाय 6 ब्रिक्स पर आवर, ठीक है ना, तो 166 के आसपास कुछ आएगा। तो पावर बता देता है कि ये काम जल्दी हो रहा है या तेज हो रहा है, लेकिन वर्क डन जल्दी या तेज की इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता। अब एनर्जी जो है वो तमाम तरीके की होती है, तो तमाम तरीके की एनर्जी लिख लें, सब आगे आने वाले चैप्टर हैं। हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, सोलर एनर्जी चैप्टर नहीं है, केमिकल केमिस्ट्री एक अपने आप में सब्जेक्ट है, हाइड्रो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सब सुन चुके हैं आप, है ना। अब एक और ये भी आप सुन चुके हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी खुद दो तरह की होती है, कैसी कैसी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, ये भी आप जानते हैं यार, पिछले कई सालों से पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी पीई का फॉर्मूला होता है MgH, और काइनेटिक एनर्जी यानी के का फॉर्मूला होता है ½mv². हम लोग काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन भी करेंगे थोड़ी देर बाद, आप वीडियो में बने रहिए, आगे आपको मिल जाएगा, नहीं तो टाइम स्टैम्प्स देख लीजिए, और टाइम स्टैम्प्स में आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ है। और बच्चों, इतना देर वीडियो अगर आप देख चुके हैं तो अब तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे। प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, हमें मोटिवेशन देते रहें। तो इतनी सारी एनर्जीज हो गई, और इस चैप्टर में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पे ही हम लोग बने रहेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को समझने के लिए सबसे बढ़िया ये डायग्राम होता है, एक पार्टिकल है, उसे मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, लेकिन वो काफी छोटा, ये रोल रोल करते हुए यहां तक पहुंच जाता है। यहां पर इसको कोई वेलोसिटी नहीं देता, बस ये ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आता जाता है। तो इसका मतलब यहां पर वेलोसिटी जीरो है। और अगर हम लोग जानते हैं, सब फॉर्मूले याद हैं, कि पोटेंशियल एनर्जी होता है MgH, और काइनेटिक एनर्जी होता है ½mv², तो सब कुछ हो जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने वाले हैं। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी, और बीच में भी कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। ये इंटरमीडिएटरी पॉइंट है, ये इनिशियल है पोजीशन, और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक। तो ज्यादातर हम लोग ए और बी में ही इंटरेस्टेड रहेंगे, फिर सी को भी बाद में लाएंगे। तो यहां पे वेलोसिटी जीरो थी शुरुआत में, तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि ½mv², यानी कि वेलोसिटी जीरो है, तो ½m0² यानी काइनेटिक एनर्जी शुरू में जीरो हो गई। बहुत बड़ा लंबा लिख दिया है, लेकिन बहुत आसान चीज है। लेकिन ये हाइट तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी हाइट पे है ये। कितनी हाइट पे है ये, एच पे। तो पोटेंशियल एनर्जी तो बढ़िया से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू MgH, एक वाला एच रख दिया, क्या दिक्कत है, एम मास है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए हम लोग ने लिख लिया। यहां पे आते आते वेलोसिटी जो है वो काफी बढ़ गई, अच्छी खासी वेलोसिटी हो गई। तो फिर से काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी एट ए अब जीरो नहीं है, वो ½mv² है। चाहे तो आप va vb ये सब भी कर सकते हैं, चलिए मैं कर देता हूं, ये एच ए, ठीक है। उसी तरह
ये बी है तो काइनेटिक एनर्जी एट बी हो जाएगा ऐसा, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, यहां पे कोई हाइट ही नहीं है, एच बी बहुत बिल्कुल खत्म ही हो गई है, एच बी इज इक्वल टू जीरो है, एम जी एच बी यानी कि एम जी एच बी हो गई जीरो, यानी जीरो। तो यहां पर हमने देखा कि फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इनिशियल पोजीशन में काइनेटिक एनर्जी जीरो है, ठीक है। तो बस हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी एट ए क्या है भाई, पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये जो हम लोग ने लगा दिया ना, यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के ही फॉर्म में होती है, इसलिए पीई प्लस के ई अगर कर रहे हैं तो यानी हम लोग टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं। कुछ लोग इसीलिए टी एम ई भी लिख देते हैं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी। मैं टोटल एनर्जी लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट ए एम जी एच ए प्लस, यहां पे अब तो जीरो लिख सकता हूं, मैंने वहां समझा दिया है। पोटेंशियल एनर्जी एट बी क्या है, जीरो, और यहां पे हाफ एम वी बी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एम और एम कैंसल हो जाएगा, यानी मास पे ये डिपेंड नहीं करेगी इक्वेशन 2GHaVB। तो हम लोग ने क्या प्रूव कर लिया, VB इज इक्वल टू अंडर रूट 2GHa, ठीक है। वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ 2G इनटू हाइट एट द हाईएस्ट, ये बात। तो अब आगे अगर हम लोग एक इंटरमीडिएटरी पॉइंट लेंगे, पॉइंट सी, तो इस पे जो हाइट एट सी होगी वो इससे ज्यादा होगी, इससे कम होगी, पर जीरो से ज्यादा होगी। और वेलोसिटी यहां पे हम लोग क्या लेंगे कि भाई ये ऐसे जा रही है, कुछ वीसी वेलोसिटी होगी यहां पे। तो इस केस में वेलोसिटी इससे तो कम होगी पर इससे ज्यादा होगी। तो हम लोग अब क्या लगा सकते हैं कि टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी। अब तो हमें मालूम है कि ए पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है एम जी एच ए, और बी पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी बी स्क्वायर, और सी पर दोनों है एम जी एच बी सी है ना, ये हाफ एम वी सी स्क्वायर। ये हो गया एक तरीके से किसी भी पॉइंट पर हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉइंट पर सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, लोएस्ट पॉइंट पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, बीच के किसी भी इंटरमीडिएटरी पॉइंट पे हम चले जाएं, दोनों ही चीजें हमें मिलेंगी, उन्हें आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं। इस पर बहुत सारे सवाल हैं आपकी बुक में भी और बाहर आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे, तो वो हम लोग एक्सरसाइज में करेंगे। देखिए वर्क डन अगर आप जानते हैं तो आप पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, भाई इधर फाइनल होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल। अब मान लीजिए यहां से किसी बॉल को उठाकर हम लोग यहां पे चढ़ा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं क्या है इससे हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि ना तो वर्क डन ना ही एनर्जी टाइम पे डिपेंड करती, ये तो याद है हमें। अब किसी भी पॉइंट पे जब इसे चढ़ा रहे होंगे, बीच में ये रहेगी, मतलब सीढ़ियों से ले जा रहे हैं, कैसे ले जा रहे हैं, इससे हम लोग नहीं चिंता कर रहे हैं क्योंकि
ग्रेविटेशनल एनर्जी है यहाँ पे, और ग्रेविटेशनल एनर्जी एक कंजर्वेटिव एनर्जी है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए पाथ वाथ यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा, टाइम पे भी ये डिपेंड नहीं करेगा, लगातार इसमें एम जी लग रहा होगा, लगातार इसमें फोर्स लग रही होगी एम जी। हम ये भी जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो अब देखिए यहां पर इससे उठाकर हम लोग ऊपर तक ले जा रहे हैं, तो एम जी लगातार नीचे लगता जा रहा है, एम जी लगाते जाओ। और हाइट कितनी तय की, हाइट तो हम लोग ने ली ही नहीं, चलो अब ले लेते हैं कितनी हाइट तय की। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, एच, एच यहां पे आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल को हम लोग ग्राउंड जीरो ले लें, तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब मान लो कि ग्राउंड जीरो पर कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ये अजम्पशन है अपना कि भाई सारी एनर्जी इसके ऊपर जाने में ही हम लोग मान रहे हैं, ये जीरो पोटेंशियल सरफेस है ग्रेविटी के हिसाब से, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या आ गई, एम जी एच, यही तो फॉर्मूला है यार पोटेंशियल एनर्जी का, यही हम लोग प्रूव करना चाहते थे। तो एम जी एच कोई नई चीज नहीं है, आप इसे वर्क डन से भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग प्रूव करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे आता है, प्रूव करेंगे के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। कुछ बातें हम लोग पहले से जानते हैं, जैसे कि इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, और एफ इज इक्वल टू ma। तो कुछ हम लोग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए अगर अपना ब्लॉक है, उस पर फोर्स लग रहा है एफ, वो एक्सेलरेट कर रहा है ए से, कोई फ्रिक्शन फ्रिक्शन हम लोग नहीं मान रहे हैं, यू इज इक्वल टू जीरो था और वी अपनी फाइनल वेलोसिटी हो गई, तो फिर यहाँ पे भी ये टर्म खत्म हो जाएगा, यू जीरो हो जाएगा। तो इधर आप देख सकते हैं ए इज इक्वल टू एफ बाई एम है, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, अगर करें वी स्क्वायर 2 इंटू ए की जगह आप एफ बाई एम रख दें और ये आ गया एस। अब आप देख सकते हैं कि इनको इस साइड ले जाएं, 2 बाई एम है तो एम बाई 2 कर दें और ये वी स्क्वायर है तो ये एफ डॉट एस हो गया। एफ डॉट एस को आप वर्क डन कर दीजिए और ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। और यही अपने काइनेटिक एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने इसको वापस प्रूव कर लिया, ठीक है। अब एक बार तो जब ऐसे कर लिया तो एक कैलकुलस वाला मेथड भी हम लोग लगा सकते हैं। सब लोग लीव कर दिया। ओके, तो अब दूसरा तरीके से प्रूव करेंगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एस, ठीक है, सब सेम ही डायरेक्शन में है तो कॉस 0 1 हो गया, उस हिसाब से कर रहे हैं। अब एम ए डी एस डी डब्ल्यू, ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी वी बाई डी एस, है ना। ए को डी वी बाई डी एस लिख सकते हैं, नहीं तो डी एस बाई डी टी भी लिख सकते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। किसको तो एक्सेलरेशन को हम लोग, एक्सेलरेशन डीवी बाई डीटी है हाँ, तो डी वी बाई डी टी ले लिया और ये वाला डी एस बना रहा, ठीक है, और हाँ डी वो ना एस उसको अलग से फॉर्मूला अब फिर इन तो चेंज दोनों को करूंगा। एक साथ कर लो आप, ठीक है, तो डीवी तो बना रहा अलग और डीएस बाई डीटी क्या हो गया, वी, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हो, मास तो अपना कांस्टेंट है, अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करने के लेवल पे हम लोग आ गए हैं। ठीक है, सर, सर वो रिलेशन कहाँ से आया सब ऊपर वाला? ये अरे वर्क डन इज इक्वल टू हाँ, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भाई, छोटा वर्क छोटा अच्छा फोर्स डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है और निकल गया वो, अच्छा समझ गया। है ना। तो ये आप अपना यहां से आ गया, W इज इक्वल टू हाफ MB स्क्वायर, समझ गए। फिर यही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो जो यहां प्रूव किया था पहले, यहां हम लोग ने कैलकुलस से कर लिया और यहां हम लोगों ने सिंपल इक्वेशन से कर लिया। ठीक है, तो इसे भी कॉपी कर लीजिए।